शशांक के साथ आज हमें और ढेर सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हाउ इज द शो रूप गोइंग ऑन शशांक, किस तरह की स्टोरी लाइन चल रही है अभी? फैंटास्टिक रूप, सुपर, इट्स वेरी हेक्टिक, बहुत काम होता है, बहुत बहुत मस्ती भी होती है और बड़े बड़े ट्रैक्स होते हैं, मेरा काम सबसे ज़्यादा होता है, तो एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए, मतलब 25 दिन पूरा 12 घंटे बिजी हैं, चल रहा है, अच्छा है। तो व्हेन इट कम्स टू द शूट्स ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑडियंस के होते हैं कि किस तरह टीवी सीरियल की शूटिंग होती है, कितना टाइम आप लोग को देना होता है, कितना वक्त एक सीन को करने में लगता है, कितनी मेहनत होती है? टीवी इज़ नॉट एट ऑल ईजी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये बहुत ही, मतलब जब मैं उज्जैन से निकला था कि मुझे एक्टिंग करनी है बॉम्बे में आके, तो मैंने तो इतना इमेजिन किया ही था कि इसमें इतनी मेहनत होती है। या सर तो फिर मुझसे से घबराना, वो वाली बात है। Correct. तो ये जो फाइनली, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, एक ही चीज़ को आपको 3 से 4 बार करना पड़ता है और धूप होती है, पानी होता है, ठंड में सीन्स होते हैं, तो सब पसीना, ये सब तो चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन जब एंड रिजल्ट आता है, फिर जब आपको कोई बोला जाता है कि नहीं आपका काम हमें अच्छा लगा, पसंद आया, ट्वीट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, फैंस मैसेज करते हैं, तो बस मेहनत सफल है। मतलब इन डाउन टू दिस प्लेस इन द ईयर 2009, ऑलमोस्ट 10 साल, दिस इज अ 10 ईयर चैलेंज आई शुड से। सो वो 10 साल उस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मेरे को 2010 में बालिका वधू मिल गया था, फिर वो 5 साल किया, फिर मैंने कुछ एक गैप लिया, फिर स्टार प्लस का शो किया, फिर अभी रूप कर रहा हूँ 1 साल के बाद में। तो बोलते थे फिर आसपास जो मेरे दोस्त थे वो बहुत चढ़ाते थे, अरे वाह क्या हाइट है, अरे वाह क्या रंग है, तो कुछ करना चाहिए लाइफ में। और फिर जब मैं स्कूल में ये ड्रामास वगैरह करता था, ड्रामेटिक्स और डांस वगैरह करता था, तो वहाँ पे जो टीचर्स होते थे, अरे तो पढ़े बढ़े तो होगी नहीं, और क्या मैं स्कूल में ना वो छोटी सी होती ना कोम, तो बैक हाइट की वजह से मैं ऑलरेडी बैक बेंचर था, तो चल रहा है अपन चालू है, तो बोला भाई तुम ये करो, तुम हीरोगिरी करोगे, तो बात सही, देखो सही हो गई, तो बस आ गए फिर 2009 में। और फिर पर उस साल क्या हुआ कि मुझे आते सही ना, मतलब मैं जनवरी में आया, फिर में मेरी मॉम की खबर आ गई, तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा, तो बड़ा वो जो पीरियड था बड़ा बहुत बहुत पेनफुल था कि लाइफ में करना क्या। फिर मैंने एक बार आइडिया ड्रॉप भी कर दिया, चलो छोड़ो, बिकॉज माई फादर इज़ ऑल अलोन इन उज्जैन, तो अभी उनके साथ रहते हैं, लेकिन वो बोलते ना कि एक खलबली, हाँ मतलब कुछ कमी लग रही है, कुछ कमी लग रही है, मतलब ये तो बात वो हो गई कि आप सपने के पीछे गए, आपने उसकी प्राइस भी की और अब फिर वो आपने वो सपना पूरा भी नहीं किया। तो फिर अगेन आई केम डाउन टू दिस प्लेस कुछ अगस्त के महीने में, फिर मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया, फिर 2010 में मुझे कॉल आया बालिका वधू मेकर्स की तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से, तो फिर वहाँ से 55 ऑडिशन दिए मैंने, आते से मैं गुरुद्वारे में रहा हूँ 30 रुपये पर डे के हिसाब से। आई लव टू नो अबाउट दैट स्ट्रगल पीरियड, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है स्पेशली छोटी सिटीज वाले को कि हाँ ये तो गया और ही गॉट इट। मुझे फोन आता है यार, मतलब मुझे मेरे कुछ दोस्तों के फोन, अब तो हालांकि बंद हो गए, लेकिन पहले आते थे, अरे जिम ज्वाइन कर लिया, पता क्या करना है, तो मेरा पहलवानी करो, अब क्या करोगे, एक्टिंग तो क्या करोगे, मतलब पर दिस इज द वेरी रॉन्ग कंसेप्शन की चलो बॉडी ऐसा नहीं होता, इट्स लाइक एन एड ऑन होता है, वो भी कैरेक्टर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इट्स नॉट एट ऑल इजी एक्टिंग, क्या उसकी कोई परिभाषा तो है नहीं, लेकिन ये सब जो चीज़ें ना आपकी स्कूलिंग, आपकी पेरेंटिंग, लाइफ का एक्सपीरियंस, जो आप किताबें पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ घूमते हैं, कितना आपने ट्रैवल किया है, ये जो आपकी खुद की जो लाइफ की जर्नी होती है, वहाँ से आप अपने एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं ब्रेन में और फिर उनकी मेमोरी बना के वहाँ से पन्ने पलट के अपनी परफॉर्मेंस में डालते हैं। व्हाट आई डू, आई एम नॉट अ मैटर एक्टर, मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी लाइन याद करके, मेरा थोड़ा सा अलग तरीका रहता है, सबका अपना अपना तरीका है, तो मेरा तरीका ये है, अपने मैं लाइफ से चीज़ें उठाता हूँ और ऑब्जर्वेशन चालू रखता हूँ अपनी, लेकिन ये इतना जैसे कि डायरेक्टर ने देख लिया तो तो किसी हॉलीवुड वाले क्यों नहीं देखा मेरे को मैं भी मतलब प्रियंका चोपड़ा खाते क्वांटिक वगैरह कर, चलो खैर कोई बात नहीं, 285 ऑडिशन दिए मैंने, हाँ मतलब देखिए अगर 1.5 साल का स्ट्रगल है और 1 साल में 365 दिन है, तो ये तो मैं आपको कम बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हर दिन 2 से 3 ऑडिशन दिए, करेक्ट, तो साल तो यू कैन कैलकुलेट, हाँ तो अभी आप मतलब हम मैथ्स नहीं दिखा रहे अभी यहाँ पर, और एक्टर को यही जो एक्टर बोलते हैं ना, एस्पायरिंग एक्टर्स जो भी आते हैं बॉम्बे, जो यंगस्टर्स आने वाले, यूथ आने वाले एक्टिंग के हिसाब से, तो उनका फेवरेट वर्ड ना नो होना चाहिए, उनको नो सुनने की आदत डाल देनी चाहिए, बिकॉज इतना रिजेक्शन है, इतना मतलब, पर दैट्स द स्टार्ट आई थिंक, क्योंकि मैंने बहुत ना सुनी है और बहुत सारे अपने जो लाइफ में कुछ कर चुके हैं, जो सेलिब्स के अपने इंटरव्यू देखे होंगे, काफ़ी लोगों को रिजेक्शन मिलता है और उन रिजेक्शन को झेलते हुए जो आगे निकलता है, फिर कुछ कर पाता है और इस तरह अपनी स्टोरी बता पाता है, अपनी स्ट्रगल फेस शेयर कर पाता है। जहाँ पहुँचना है उसके लिए बहुत मेहनत है, उसके लिए बहुत, उसके लिए आपका खून, पसीना, आंसू सब जाता है। Correct. तो अभी वो चालू है, अभी वो चीज़ें बहुत दूर हैं फिलहाल, कि अभी जो एक वेब चल रहा है, जैसे कि मेरे को ना बहुत सारे फैंस बोलते हैं, अरे सीन में ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे वैसा नहीं होना चाहिए था, आप मेरा यकीन मानिए, ऐसे बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स होंगे, मेजोरिटी ऑफ द एक्टर्स होंगे जो सीन पढ़ रहे होंगे अपने शो का, और यार ऐसा थोड़ी होता है, बट दैट्स द चैलेंज दैट यू हैव
टू कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट बिकॉज आई एम नॉट द मेकर आई एम नॉट द राइटर आई एम जस्ट एन एक्टर माय जॉब इज टू एक्ट एंड टू जस्टिफाई माय कैरेक्टर एंड द लाइंस गिवन टू मी. अब वो फैंस को क्या लगता है कि अच्छा हमारे हाथ में कुछ नहीं है. तो मैं ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ फैंस के साथ में. आई मेक श्योर कि जो संडे को मेरा ऑफ आता है वहाँ पे मैं कभी उनसे थोड़ा सा मुखातिब हो जाऊँ और शो के बारे में समझ लूँ, अपने हाल चाल बता दूँ, उनके हाल चाल पूछ लूँ. तो ये बड़ा ही मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है कि आपको एक नज़रिया पता लगता है लोगों का. क्योंकि सी वी एज टेलीविजन एक्टर्स आर वेरी बिजी. मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ, फिर 13 घंटे काम करता हूँ, घर जाता हूँ और सोता हूँ. इज हैक्टिक, नो डाउट अबाउट इट. और फिर मेरा ऐसा है कि अच्छा ये सीन ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा वैसा क्यों हो रहा है, अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो वैसा क्यों बोल रहा है, इधर आओ, ये देखो हमारा असिस्टेंट. ये सब लोग मुझसे मेरे सवालों से परेशान रहते हैं बेचारे. रहते हो कि नहीं रहते? सौरभ सिंह. सौरभ, सौरभ क्या करते हैं यहाँ? 4 दिन से खाने. बोलो बोलो, सवाल कितने रहते हैं? सवाल लाखों है. लाखों है. जवाब कितने मिलते हैं? जवाब देने में सब चुप हो जाते हैं. तो जब कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे करेगा? लेकिन करते करते तो मेरे फैन से मेरी यही गुजारिश है. धन्यवाद मंडल, आपला आभारी आए. समझ रहा था मैं ही बोलने वाला है. ये जो अच्छा टेलीविजन शोज होते हैं, ये टीआरपी ड्रिवन होते हैं, यहाँ पे ट्रैक्स चेंज होते हैं. आपका कोई भी चीज़ एक जगह स्थायी नहीं हो सकता, ऊपर नीचे टीआरपी पे हर हफ्ते. अगर कोई कोई बोले कि नहीं हमारा थीज राइट ना हो, टीआरपी हैज टेकन ओवर द क्रिएटिविटी, दैट्स द इशू. मतलब एक कला का एरिया अलग होना चाहिए, अगर उसके साथ आंकड़े जुड़ जाते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो जाती है. जैसे कि इफ़ यू आर आस्किंग सम एड्रेस इन इंदौर और इन उज्जैन और अपना वाला एरिया में मालवा में, तो जैसे कि सर मुझे वहाँ जाना है अस्पताल में, तो उसका रास्ता बताएंगे आप? हाँ ठीक है. तो देखो अपना यहाँ आप ये चौराहा पकड़ लो, फिर यहाँ से आपका राइट आएगा ना, तो फिर यहाँ से अपना वो धर्मशाला आएगी, उसके सामने अरे अपना क्या वो सपना ही है, सभी अपना है. मतलब ये भी मेरा है, ये भी अपना है. अपनी दुकान आएगी चाय की, फिर उसके बाद में अपनी पान की दुकान आएगी. मतलब आउट मतलब देसी जो पन है ना उससे, मतलब सी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स फ्रेंड्स भी हैं, वो कहते हैं कि भाई उज्जैन गया नहीं. मतलब यही तो आपको यूनिक रखता है. Correct. अगर आप देखिए हवा में रह के उसी हवा में रह जाएंगे तो फिर जो अलग हवा आपकी है वो तो ढक गई, फिर वो दिखी नहीं. तो ये फ्लेवर्स अपने आप में रखना बहुत जरूरी है एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो. पूरा स्कूलिंग और कॉलेज वहीं से हुआ है, ग्रेजुएशन तक मैं वहीं रहा हूँ एमपी में. तो वो देख फ्लेवर कहाँ जाएगा. Somebody is trying to be over smart. तेज मत चल यार, सारा तेज मत चल, मतलब तेज मत चल, स्लो चल रहा है. पर नहीं, डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट. और आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आपका. तो आप प्रस्थान कीजिए वॉर रूम एंड हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे. मतलब ऐसे आगमन प्रस्थान शब्द नहीं मिल रहा हूँ ना, तो आप एयरपोर्ट याद कीजिएगा. अराइवल्स आते हैं, आगमन, डिपार्चर, प्रस्थान जाते हैं, ऐसे. इसी का था इंतजार, एक नंबर. नहीं नहीं, पर मुझे सेगमेंट करके बहुत मजा आया. और जैसे कि हमारे जो बहुत स्ट्रेसफुल, मुझे ऐसा लगा कि शशांक से बहुत देर बाद मेरी आपके सामने बात हो गई. हाँ नहीं, वो बहुत अपना जो ड्रामा सीन था बहुत स्ट्रेसफुल था और अभी तो शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले काफ़ी अच्छी एनर्जेटिक बातें हो गई, उज्जैन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई. तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड हैविंग दिस सेगमेंट. आई एम श्योर ये आपको एक नंबर लगेगा सेगमेंट, सो डू नॉट मिस टू वॉच एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट शो सासबो और बेटिया एंड रूप ऑन कलर्स. बहुत हार्ड सही जा रहे हो भैया.